हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन। चिकन को मैं आज बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। जिन्हें चिकन बनाना भी नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे, और इसके साथ मैं कुलचा की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन और कुलचा की कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग लगता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैं एक बाउल में 2 कप मैदा ली हूँ, उसमें मैं डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच पिसा हुआ चीनी। फिर मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। फिर मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल। फिर मैं हल्का गुनगुना पानी लेके इसका एक एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। मैदा का डो बनाते समय हम यहाँ गुनगुना पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करेंगे। फिर मैं हाथ में लूँगी 1/2 छोटा चम्मच तेल और इसको मसल के थोड़ा चिकना कर लेंगे। चिकन तो हम 1/2 घंटे में बना के रेडी कर लेंगे, लेकिन कुलचे के डो को रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम इसका प्रिपरेशन सबसे पहले कर रहे हैं। तो देखिए, मैं अच्छे तरीके से डो बना ली हूँ और इसको ढक के छोड़ देंगे करीबन 1 घंटे के लिए। अब मैं यहाँ ली हूँ 1 kg चिकन, जिसको अच्छे तरीके से धो ली हूँ। मैं यहाँ 1 kg चिकन के लिए 6 मीडियम साइज के प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट ली हूँ, ताकि ये जल्दी गल जाए। अब मैं यहाँ कुछ खड़े मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। अब हम एक छोटा सा कटोरी ले लेंगे और उसमें हम सारे मसाले निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ ली हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली। फिर मैं इन सभी मसाले में डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मसाला हमने रेडी कर लिया। इस मसाले में हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको खड़े मसाले पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर दीजिए, लेकिन यहाँ 2 चीज़ जरूर डालिएगा, 1 तो लहसुन की कलियाँ और 2 लाल मिर्च। चिकन बनाने के लिए मैं यहाँ इस तरीके के पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप सरसों का तेल। जब सरसों का तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे अपने सारे खड़े मसाले। सरसों के तेल से चिकन बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप जो रेगुलर तेल इस्तेमाल करते हैं आप उसी में चिकन बनाएं। सारे खड़े मसाले डालने के बाद हम इन सारे चीज़ों को बस 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए, खड़े मसाले भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को बस हम 1/2 मिनट के लिए ही भूनेंगे, इससे ज़्यादा हम प्याज को नहीं भूनेंगे। आज हम झटपट वाले चिकन बना रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट आप खा के ही पता कीजिएगा। सारे पुराने तरीके आप भूल जाइएगा। तो देखिए, मैं 1/2 मिनट के लिए प्याज को अच्छे तरीके से भून ली हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो देखिए, मैं यहाँ चिकन को किस तरीके से डाल रही हूँ, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि मैं इस चिकन में 1 चम्मच भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। चिकन डालने के बाद हम एक बार इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। चिकन को एक बार प्याज में अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हम यहाँ तुरंत अपने सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ सारे मसाले ऐड कर दिए। सारे मसाले डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ 1/2 चम्मच नमक का इस्तेमाल की हूँ। नमक डालने के बाद हम एक बार इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। इस समय आप चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मिलाइएगा, ताकि सारा प्याज, सारे मसाले और नमक बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाए। तो देखिए, मैं इसे कितने अच्छे तरीके से मिला रही हूँ। बस मिलाने के बाद हम इसको ढक के छोड़ देंगे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। बिल्कुल भी फ्लेम को तेज ना करें, क्योंकि हम यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो देखिए, 5 से 7 मिनट हो चुका है। तो देखिए, चिकन में से कितना पानी छोड़ दिया है, जबकि मैं यहाँ 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल भी नहीं की हूँ। पानी छोड़ने का कारण यही होता है कि हम यहाँ प्याज को भी ज़्यादा नहीं भुने थे, और मसाला भी तुरंत ऐड कर दिए थे, और नमक भी ऐड कर दिए थे, इसीलिए सारे प्याज अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो देखिए, चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से पक रहा है। तो हम इसे ढक के छोड़ देंगे फिर से 5 से 7 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम अभी भी लो रखें। जब इस तरीके से आप चिकन बनाइएगा तो चिकन 30 मिनट में बनके एकदम रेडी हो जाएगा। तो देखिए, अभी मुझे चिकन पकाते हुए बस 20 मिनट ही हुआ है, और मसाले भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गए हैं, और प्याज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है।
तो बस चिकन को एक बार अच्छे तरीके से चला देंगे और फिर से ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। अगर आपको ग्रेवी इतनी ही पतली चाहिए तो आप इसे अभी भी लो फ्लेम पे पकाएं। अगर ग्रेवी आपको सूखी चाहिए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और ढक के छोड़ दें बस 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है और चिकन हमारा बन के एकदम रेडी हो गया है। तो देखिए चिकन का पीस अच्छे तरीके से पक गया है। तो कैसी लगी मेरी ये चिकन की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका टेस्ट सही में माइंड ब्लोइंग लगता है। अगर आपने आज से पहले ऐसी चिकन की रेसिपी नहीं ट्राई की है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चिकन तो हमारा बन के रेडी हो गया, तो इसको ढक के रख देंगे साइड में और अब चलते हैं कुलचा बनाने की तरफ। तो देखिए मैदा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रेस्ट कर चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट गूथा है। तो एक बार हम मैदे को अच्छे तरीके से गूथ लेंगे और इसका हम अभी 2 लोई ही बनाएंगे। तो बस एक लोई तोड़ ले और हाथों से मसल के उसे चिकना कर लें। तो देखिए मैं यहाँ 1 लोई बना ली हूँ और फिर से 1 लोई बना लूँगी। तो चलिए अब हम इसे बेलते हैं। बेलने के लिए सबसे पहले लोई को थोड़ा सा दबा दें, उसके ऊपर हम रख देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, फिर मैं उसके ऊपर रख दूंगी थोड़ा सा काला तिल। तिल डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से दबा देंगे। मैं यहाँ काले तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको तिल पसंद नहीं है तो आप यहाँ कलौंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसको अच्छे तरीके से उलट पुलट के बेल लेंगे। जब आप इस कुलचे को बेलिएगा तो ऊपर से हरा धनिया और तिल बाहर निकलने लगता है, तो घबराए नहीं, इसे बस उल्टा पलट दे और अच्छे तरीके से बेल लें। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, तो बस हम इसे मीडियम साइज़ में बेल लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ इसे कैसे बेल रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बेल लीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ एक अच्छे तरीके से बेल ली, इसको हम रख लेंगे साइड में। फिर मैं इसी तरीके से दूसरा भी बेल लूँगी। सेम प्रोसेस से 1 लोई ले लेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, फिर उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा तिल और हाथों से दबा देंगे और इसको पलट के बेल देंगे। अगर ये चिपके तो ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा लगा दीजिए और इसको अच्छे तरीके से बेल दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ दोनों कुलचे को अच्छे तरीके से बेल चुकी हूँ। तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं। कुलचे को पकाने के लिए हम गैस पर रखेंगे एक तवा और तवा को सबसे पहले हम गर्म होने देंगे। जब तवा गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे कुलचा और कुलचा डालने के बाद तुरंत इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पानी और पानी डालने के बाद तुरंत हम इसको ढक के छोड़ देंगे। कुलचे को हम ढक के छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। पानी डालने से इसमें भाप बनने लगता है और भाप बनने से कुलचे अच्छे तरीके से पक जाते हैं। तो देखिए 1 मिनट हो गया है तो हम कुलचे को पलट देंगे। तो देखिए कुलचा एक तरफ से कितना अच्छे तरीके से सिक गया है। पलटने के बाद हम इसको फिर ढक के छोड़ देंगे बस 1 मिनट के लिए। एक कुलचे को बनाने में कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। तो कुलचे को उलट पुलट के अच्छे तरीके से सिक लेंगे। तो देखिए एक कुलचा बन के रेडी हो गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी बना लेंगे। सबसे पहले हम तवा में डालेंगे कुलचा, कुलचा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और ढक के छोड़ देंगे करीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। आप कुलचे बनाए तो गैस का फ्लेम लो या मीडियम रखें। हाई फ्लेम पे आप कुलचे को ना पकाएं, नहीं तो ये अंदर से सिकेगा नहीं। तो देखिए इसे भी हम पलट दिए हैं और 1 मिनट के लिए सिकने देंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन सिक चुका है। मैं आज दोनों रेसिपी आप लोगों को बहुत इजी तरीके से बताई हूँ, तो आप भी ये दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैं सारे कुलचे बना ली हूँ। 2 कप मैदे से मैं यहाँ 5 कुलचा बना के रेडी की हूँ। देखने में ये सारे कुलचे कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब एक बार चिकन को देख लेते हैं। तो देखिए चिकन कितना यम्मी दिख रहा है। मैं इस चिकन में कोई भी गरम मसाला, चिकन मसाला, कोई भी अदर मसाला का इस्तेमाल नहीं की हूँ। तो लीजिए बन के रेडी हो गया हमारा चिकन और कुलचा की रेसिपी। तो आप भी इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए कुलचा अंदर से भी कितना जालीदार बना है, इसका मतलब ये है कि कुलचा अच्छे तरीके से पक चुका है। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
अगर मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो तो क्लासिक रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बनाइए इस चिकन कुलचे रेसिपी को और मज़े से खाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।